हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकु कॉन्ट्रा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो पेस्ट्री शॉप के पास से ही गुजर रहा था। अचानक उसको कुछ यादें आ जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं जनकुक और तियांग की जब शादी हुआ था। जनकुक वो पेस्ट्री खाने के लिए बहुत ही जिद कर रहा था, तो तियांग उसको पेस्ट्री शॉप पर लेकर आए थे और जनकुक इसलिए भी पेस्ट्री को खरीदा था क्योंकि तियांग को वो पसंद है। और जनकुक और तियांग वो दोनों साथ में मिलकर खाया था। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पल था। लेकिन अब तियांग जनकुक से नाराज़ है क्योंकि जनकुक और तियांग की एक बहुत ही प्यारा सा बेबी गर्ल है और उसका नाम है तेकुकी। लेकिन तियांग को उस बेबी से नफरत है और इसीलिए क्योंकि उसको लगता है वो बेबी उसका नहीं है, जनकुक और तियांग का नहीं, युंगी और जनकुक का है। तियांग को ऐसा ही लगता है क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था। एक दिन तियांग ने जनकुक से कहा वो घर बहुत ही लेट आएगा, लेकिन उस दिन तियांग नहीं आ पाएगा। इसलिए जनकुक को कॉल करके बोल दिया मैं आज रात को नहीं आ पाऊँगा। और तियांग जैसे सुबह के 5 बजे घर आ जाते हैं, उसने देखा युंगी जनकुक के रूम से बाहर निकल रहा है। और तियांग ने युंगी को देखकर कुछ भी नहीं कहा। जनकुक के पास गया और देखा जनकुक रूम में नहीं है, वो वॉशरूम से बाहर निकल कर आ रहा है। तो तियांग को शक हो गया और तब से जनकुक से तियांग अच्छी तरह से बात नहीं करता है। उन दोनों की बहुत ही प्यारा सा बेबी गर्ल है, लेकिन तियांग उस बेबी को अपना नहीं मानता है और न ही कभी जनकुक से ये बात कहा। जनकुक को ऐसा लगता है शायद तियांग जनकुक से इसलिए नाराज होगा क्योंकि जनकुक अभी बेबी के साथ ज़्यादा रहता है, तियांग को टाइम नहीं दे पाते हैं इसलिए शायद। लेकिन तियांग इसलिए उसे नाराज़ नहीं था, वो तो इसलिए नाराज़ था क्योंकि उसको लगता है जनकुक ने उसके साथ धोखा दिया है। और तियांग घर आने के बाद देखता है कि जनकुक बेबी को लेकर बहुत ही खुश है। वो उसके साथ बातें कर रहा था और मुस्कुरा रहे थे। तियांग उन दोनों को खुश देखकर कुछ पल के लिए खो जाता है। उसकी होठों पर भी मुस्कुराहट आने ही लगा था, लेकिन तियांग रुक गया और युंगी की आवाज़ सुनकर कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? युंगी ने कहा वो मैं देखने आया था, बेबी सो गया है क्या? जनकुक कहता है नहीं वो नहीं सोया है, तियांग के कहने से पहले ही। तियांग उसको और भी गुस्सा आ जाता है। आके जनकुक और युंगी चाहते क्या है? तियांग को ऐसा लगता है जैसे कि उसने जनकुक के साथ शादी करके गलती कर दिया। जनकुक अब बोल ही रहा जो शादी के बाद तियांग से बहुत प्यार करता था। ये तो कोई और ही जनकुक है जो युंगी को पसंद करता है और उसी के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तियांग वो रूम से बाहर निकल कर जा ही रहा था। युंगी ने कहा तियांग कहाँ जा रहे हो? तुम तो अभी अभी आए हो ना, तो अभी कहाँ जा रहे हो? रुको और देखो ना कितनी प्यारी है बेबी, वो मुस्कुरा रहा है, तुम्हें ढूंढ रहा होगा। तियांग ने कहा मुझे क्यों ढूंढेगा, लगता है तुम्हें ढूंढ रहा है। ये कहते रूम से बाहर निकल गया। जनकुक ने कहा उसने ऐसा क्यों कहा है? युंगी कहता मुझे नहीं पता, उसको कुछ हो गया है क्या? वो बहुत दिनों से बहुत ही खुमसुम सा है, किसी से कुछ नहीं कहता है। जनकुक युंगी से कहता है जब से उसको पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उसके बाद से तियांग ने मुझसे अच्छी तरह से बात भी नहीं किया और ना ही टाइम स्पेंड किया, और अब तो बेबी भी हो गया है लेकिन तियांग तो उसको गोद में भी नहीं लिया है अब तक। युंगी कहता है क्या 2 महीने हो गए हैं बेबी को और उसने अभी तक गोद में नहीं लिया? जनकुक तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तियांग से अभी जाकर पूछता हूँ उसने ऐसा क्यों किया है। जनकुक युंगी से कहता है आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उससे पूछा था उसने कुछ भी नहीं बताया, मुझे लगता है वो मुझसे नाराज़ है। युंगी ने कहा ठीक है बेबी को मेरे गोद में दो और तुम तियांग के पास जाओ। जनकुक कहता है लेकिन मैं उसके पास जाकर क्या करूँगा? युंगी ने कहा रुको मेरे पास एक आइडिया है, तियांग को खाना बहुत पसंद है, तुम जाकर उसके लिए पसंदीदा खाना बनाओ और उसके बाद तियांग को अपने हाथों से खिलाओ, देखना उसकी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगा और वो तुम्हें पहले जैसा प्यार करेगा, तुम समझ गए ना? जनकुक कहता है क्या आप बेबी को रख पाओगे? युंगी ने कहा क्यों नहीं रख पाऊँगा, वैसे भी मुझे बेबी बहुत पसंद है। जनकुक कहता है ठीक है। उसके बाद जनकुक किचन में जाकर तियांग के लिए खाना बना रहा था और तियांग वो हॉल के सोफे में बैठकर कॉमिक पढ़ रहा था। अचानक तियांग का ध्यान जनकुक पर पड़ा, जनकुक खाना बना रहे थे। तियांग मन में कह रहा था वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो बेबी कहाँ है? तियांग को उसकी बेबी की चिंता हो रहा था, लेकिन फिर तियांग ने सोचा मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, वो मेरी बेबी थोड़ी है, वो तो युंगी का है, लगता है युंगी के पास ही होगा। और उसके बाद तियांग फिर से कॉमिक पढ़ना शुरू करता है। कॉमिक पढ़ने के टाइम पर तियांग का ध्यान सिर्फ जनकुक पर ही था। जनकुक खाना बनाने के टाइम पर अपना हाथ जला लेता है और तियांग दौड़कर आ जाता है जनकुक के पास और कहता है क्या कर रहे हो, ध्यान से काम नहीं कर सकते हो क्या? अगर ध्यान से नहीं कर सकते हो तो क्यों करने के लिए आए हो,
किसने कहा तुम्हें खाना बनाने के लिए? जाओ यहाँ से और अपनी बेबी का ध्यान रखो। जनकुक ने कहा, तिया तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम पहले जैसे नहीं रहे और वो मेरा बेबी नहीं है सिर्फ, वो तुम्हारा और मेरा है, तो तुम ऐसी क्यों बोल रहे हो? तुमने अभी तक उसको गोद में भी नहीं लिया है। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो तुम जाकर उसको गोद में ले सकते हो ना? त्याग ने कहा, वो मेरी बेबी नहीं है, समझ गए तुम? आज त्याग ने खुलकर कह दिया और वो बहुत ही गुस्से में कह दिया। जनकुक कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? वो तुम्हारा बेबी नहीं है? मैं समझा नहीं, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? त्याग ने कहा, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा और युंगी का बेबी है? तुम मुझ पर क्यों थोपना चाहते हो? ये बच्चा मेरा नहीं है, समझ गए तुम? और इसलिए मैं उसको अपना नहीं मानता हूँ। तुमने उसका नाम तेकू की क्यों रखा है? ताकि मेरा प्यार पा सको। लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसका नाम तो युंगक्यू की होना चाहिए था। युंगी कहता है, त्यांग कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें किसने कहा कि उसका नाम युंगक्यू की होना चाहिए था? उसका नाम ए क्यू होगा, उसका नाम तेकू की है और तुम्हारा जनकू की बेबी है वो। तुम मुझ पर क्यों थोपना चाहते हो? हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसको अपना बेटी मानने में, लेकिन वो तुम्हारा है तो तुम ऐसे नहीं कह सकते हो। इससे जनकुक पर तुम उंगलियां उठा रहे हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, जनकुक मेरे छोटे भाई जैसा है। और तुमने अभी जो कहा इससे मुझे तो ठेस पहुंचाई है, लेकिन जनकुक पर तुमने जो लंछन लगाया है बिल्कुल अच्छा नहीं किया है तुमने त्यांग। त्यांग ने कहा, नाटक करना बंद करो मेरे सामने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें जनकुक की रूम से बाहर निकालने से। और हाँ, तब जनकुक रूम में नहीं था, वो वॉशरूम से बाहर निकल आए थे। तुम दोनों क्या किया था हाँ, जो जनकुक को नहा ना पड़ा? त्यांग को बहुत ही गुस्से में युंगी थप्पड़ लगा देता है। जनकुक जाकर युंगी पर गुस्सा बरसने लगता है और कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पर हाथ उठाने का? आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। अगर उसने मुझसे कुछ कहा है तो मैं संभाल लूंगा, आपको क्या जरूरत है? युंगी ने कहा, त्यांग देखा तुमने वो तुमसे कितना प्यार करता है, तुमने इतनी बड़ी बात बोल दिया है, उसके बाद भी वो तुम्हारा साइड ले रहा है, और तुमने कैसे कह दिया कि वो बच्चा मेरा और जनकुक का है? शेम ऑन यू। और एक कहते हुए युंगी ने यहाँ से चला गया। त्यांग वो जनकुक को देखे जा रहा था और जाकर सोफे में बैठ जाता है। जनकुक वो बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर दौड़कर रूम में चले जाते हैं और बच्चे को संभाल रहा था। त्यांग अभी भी हॉल में ही था। जनकुक बच्चे को गोद में लेकर त्यांग के पास आ जाते हैं और कहता है, देखो जरा क्या तुम्हें लगता है ये बच्चा युंगी और मेरा हो सकता है? वो मेरा युंग है और मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, और तुमने कैसे कह दिया? क्या तुम्हें इस बेबी से प्यार नहीं हुआ है त्यांग? तुम उसको देखने के बाद उसको प्यार करने का मन नहीं करता है, उसको गोद में लेने का मन नहीं करता है तुम्हें? उसकी शक्ल देखो, वो तुमसे मिलता है, मुझसे मिलता है। तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं जब तुम्हें शक हो रहा था? मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुमने मुझसे पूछ लिया होता इन एक सालों में तुम्हें इतना तकलीफ उठाना नहीं पड़ता। मैं तो यही सोच रहा था, मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए शायद तुम मुझसे नाराज़ होंगे क्योंकि मैं बेबी के साथ ज़्यादा रहता हूँ और प्रेगनेंसी की वजह से तुम मेरे करीब भी नहीं आ पाए थे तो मुझे ऐसा लगा। लेकिन तुम मुझसे इसलिए करीब नहीं आ रहे थे और मुझे इग्नोर कर रहे थे क्योंकि तुम मुझे अब पहले जैसे प्यार नहीं करते हो, लगता है अब हेट करने लग गए हो। त्याग ने कहा, जनकुक ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगा शायद तुम दोनों और तुम युंगी को पसंद करने लग गए हो, मुझे नहीं, क्योंकि मैं माफिया हूँ ना और माफिया से कोई प्यार नहीं करता है। जनकुक ने कहा, मैं तुमसे शादी किस लिए किया था? ये जानने के बाद भी किया था कि तुम माफिया हो। तुमसे इसीलिए शादी किया था क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते थे और अभी भी करते हो ना, या फिर नहीं? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो ठीक है, मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा और तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। मैं तुम्हारे साथ रहकर क्या करूँगा जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो और मैं तुम्हारे सामने एक कल्पित बनकर रह गया। मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना है त्यांग। और अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर जाने ही वाला था। त्यांग ने जनकुक को टाइटली हक्का लिया पीछे से और जनकुक से कहा, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने पता नहीं कैसे सोच लिया, आखिर मैं क्या करता? जनकुक कहता है, मैं समझ सकता हूँ लेकिन एक बार तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। उस दिन मैं बहुत ही बीमार पड़ चुका था, बहुत ही उल्टियाँ कर रहा था और मेरे सर बहुत ही भारी सा लग रहा था। उसके बाद मैं ज़मीन में गिर गया था और युंगी जब मेरे रूम के पास से गुजर रहा था उसने मुझे ज़मीन में देखकर मुझे हेल्प करने के लिए मेरे रूम में आया और मेरे फेस पर पानी छिड़कते हुए मेरे होश में लेकर आया मुझे। और उसके बाद मैं जैसे युंगी अपने रूम में चला गया, मैं शावर लेने के लिए वॉशरूम चला गया। युंगी ने मुझसे कहा था कि शावर ले लो तो अच्छा लगेगा और अगर तुम्हें बेहतर ना लगे
तो मुझे कह देना, मैं डॉक्टर को बुला दूंगा। मैंने कहा मैं ठीक हूँ अभी। उसके बाद मैंने शावर लिया और तुम वापस आ गए। तभी मैंने युंगी को नहीं बुलाया और न ही युंगी को आने की ज़रूरत पड़े। युंगी ने कहा उसने तुम्हें आते हुए देखा था इसलिए वो वापस नहीं आया। और तुमने पता नहीं क्या सोच लिया है त्याग, अपने ही बच्चे को किसी और का समझ रहे थे। वो तुम्हारे बड़े भाई जैसा है और मेरा भी, वो हम दोनों से बहुत प्यार करता है। पता नहीं युंगी को कितना चोट पहुँचा होगा। आज तो मैंने भी उनको चोट पहुँचा दिया मेरी बातों से, क्योंकि उन्होंने तुम्हें थप्पा लगाया और मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया त्यांग, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें चोट लगते ही नहीं देख सकता हूँ, त्यांग ने कहा। एक थप्पड़ मेरे काफ़ी नहीं था, मुझे लगता है मुझे और कहीं से ही थप्पड़ लगाना चाहिए था। एक काम करो, तुम मुझे थप्पड़ लगाओ, जनकुक ने कहा। क्या बातें कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे प्यार करता, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें थप्पड़ कैसे लगा सकता हूँ? अगर कुछ कर सकता हो तो मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ और तुम्हें किस करना चाहता हूँ, त्यांग ने जनकुक को टाइटली हक करते हुए कहा। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और इसके बाद जनकुक के होठों पर किस करता है। जब त्यांग जनकुक के होठों पर किस कर रहा था तब बेबी जनकुक के गोद में ही था और वो रोना शुरू करता है। त्यांग डर जाता है और जनकुक से अलग हो जाता है और जनकुक से कहता है लगता है वो डर गया है। त्यांग जनकुक से कहता है कहीं बेबी उसे हेट तो नहीं करेगा ना, इतने दिनों से वो बेबी से दूर था, कहीं इसलिए वो नाराज़ तो नहीं है ना। तो जनकुक ने कहा ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम उसको गोद में लेना चाहोगे। त्यांग ने कहा लेकिन मैं कैसे लूँगा, मुझे बेबी को गोद में लेना नहीं आता है। जनकुक कहता है मैं सिखाता हूँ। त्यांग कहता है वो रो रहा है, वो मेरे गोद में आएगा तो और रोने लगेगा। जनकुक ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जनकुक त्यांग की गोद में बेबी को देते हुए कहता है देखा वो तुम्हारे गोद में जाने के बाद ही रोना बंद कर दिया। त्यांग कहता है क्या तुम अपनी डैडी को पहचान गए। बेबी मुस्कुराने लगता है, त्यांग भी खुश हो जाते हैं और जनकुक से कहता है मैं तुमसे और तेकुकी से माफ़ी मांगता हूँ, तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। जनकुक ने कहा हम दोनों तो तुम्हें माफ़ कर देंगे लेकिन युंगी तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला है, तुम्हें जाकर युंगी से माफ़ी मांगना चाहिए। त्यांग ने कहा हाँ वो तो है लेकिन मैं जाकर क्या कहूँगा, मैंने जो बोला है उसके बाद मैं उसके सामने कैसे जाऊँगा। युंगी वो पीछे खड़ा हुआ था और कहता है लो तो अभी बोल दो क्या कहना है। त्यांग ने कहा वो मैं आपसे, युंगी ने कहा आप सॉरी बोलने के लिए भी टाइम लगाओगी क्या। त्यांग ने कहा सो सॉरी। युंगी कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। त्यांग कहता है कोई बात नहीं, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं था, चाहे तो और दो एक दे सकते हो। युंगी ने कहा नहीं मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था त्यांग, तुम अब डैड बन गए हो, तुम्हारे डॉटर को ये अच्छा नहीं लगा होगा। और जनकुक की गुस्सा तो नेक्स्ट लेवल पर चला गया था, जनकुक को इससे पहले मैंने इतना गुस्से में कभी नहीं देखा है, सो सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे हस्बैंड के साथ। जनकुक ने कहा ऐसे मत बोलिए आप, माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और त्यांग वो भी आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। त्यांग ने कहा मैंने माफ़ी मांग लिया है और कितनी बार मांगूँ। जनकुक कहता है और एक बार सॉरी कह दोगे तो क्या हो जाएगा। युंगी ने कहा काफ़ी है और बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम दोनों से कुछ कहने आया था। त्यांग कहता है क्या बोलने के लिए आए हो बताइए ना। युंगी ने कहा वो कोई आने वाला है और वो यहाँ पर कुछ दिन रहेगा, कहीं तुम दोनों को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। त्यांग ने कहा प्रॉब्लम क्यों होगा, आखिर आप मेरी ह्यूंग हो। युंगी जनकुक और त्यांग की कोई रिश्तेदार नहीं है, वो तो जनकुक ने युंगी को अपना बड़ा भाई माना था और उसको अपने घर लेकर आया था क्योंकि युंगी को रहने के लिए कोई जगह नहीं था। त्यांग ने भी हाँ कर दिया था लेकिन त्यांग को अब युंगी से जलन होने लग गया था और उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को तो पता चल ही गया। लेकिन अब युंगी वो किसी को इस घर में लेकर आना चाहता है, वो भी कुछ दिनों के लिए। त्यांग और जनकुक ने परमिशन दे दिया। तो अब जिमिन घर में इंटर करता है। जिमिन को देखकर जनकुक और त्यांग दोनों ही देखते रह जाता है, खास करके त्यांग जिमिन को घूरे जा रहा था। जनकुक देखकर जेलस हो जाते हैं और त्यांग से कहता है क्या हुआ तुम इस तरह से घूर क्यों रहे हो, कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं आ गया है त्यांग। त्यांग ने कहा जनकुक कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तो जनकुक ने कहा लेकिन तुम्हारी आंखें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम उसको बहुत ही पसंद करने लग गए हो। युंगी खास तो ये कहता है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। त्यांग जनकुक मैं तुम दोनों से मिल पाता हूँ, यह है मेरे फ्यून से। जिमिन और जिमिन मुझसे शादी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो एब्रॉड रहता है लेकिन वो अब कोरिया वापस आ गया है।
यहाँ से कभी नहीं जाएगा और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे शादी के लिए फाइनल कर दूँ, मैं तुम दोनों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं जिमिन से शादी करूँ तो? वो यहाँ पर कुछ दिन रहेगा और उसके बाद हम दोनों शादी करके इस घर से किसी और घर पर शिफ्ट हो जाएंगे, तुम दोनों को पेशा नहीं करेंगे, तियांग ने कहा। आखिर इसकी क्या ज़रूरत है, आप लोग हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकते हो, आखिर हम इस घर में दो ही तो इंसान रहते हैं, आप दोनों को किसी और घर पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, शादी होने के बाद भी आप लोग इसी घर में रुकोगे। जिमिन आकर तियांग को हक करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच कि तुमने हमें इस घर में रहने के लिए परमिशन दे दिया, वरना हमें किसी और घर को ढूंढना पड़ता, जनको को और भी जलन होने लगता है। तियांग जनको की फेस देखकर मुस्कुराता है, और जनको जैसे जिमिन और युंगी अपने रूम में चला गया था, जनको खाना बना रहे थे, सब लोग साथ में मिलकर डिनर करने वाले हैं। तियांग जनको के पास आते हैं, बेबी सो रहा था रूम में। तियांग जनको से कहता है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? जनको ने तियांग से कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो, पहले तो तुम्हें इतना प्रॉब्लम था युंगी से, लेकिन अब जो वो शादी करके किसी और घर में शिफ्ट होना चाहता है, तुमने मना क्यों कर दिया? तियांग कहता है, क्यों, तुम ही तो कहते हो ना हमारा घर बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रह सकते हैं, तो युंगी और जिमिन रहेगा तो क्या हो जाएगा? जियांगकुक ने कहा, तुम्हारी फेस देखकर लगता है तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि जिमिन बहुत ही हैंडसम है ना, और उसको देखने के बाद तुम्हारे आइज बहुत ही शाइन हो रहा था, कहीं तुम उसे प्यार तो नहीं करने लग गए हो? तियांग ने जियांगकुक से कहा, इतना जेलस होना बंद करो, तुम बहुत ही जेको हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे भी कहीं ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो तुम्हें इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगा, और तुम हमेशा मेरे ही रहोगे और मैं तुम्हारा, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये कहते हुए तियांग ने जियांगकुक के होठों पर किस किया, दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। जिमिन खाने की खुशबू को सूंघते हुए वो किचन में आ जाते हैं और उन दोनों को किस करते हुए देखकर वो खांसने लग जाता है। तियांग और जनकुक अलग हो जाता है और तियांग अभी जिमिन को ही देखे जा रहा था। जनकुक तियांग को घूर कर देख रहा था और जैसे ही तियांग और जनकुक रूम में आ जाते हैं, जनकुक तियांग से बात नहीं कर रहे थे और यहाँ पर अपनी बेबी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। जनकुक जानबूझकर तियांग को इग्नोर कर रहा था। तियांग जनकुक के पास आकर बैठ जाता है और जनकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम इतना नाराज क्यों हो? देखो मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम ऐसे कर रहे हो? जनकुक, ऐसा करना सही नहीं हो रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं, वो तो मैं बस। तो जनकुक ने कहा, तुम जिमिन को क्यों घूर रहे थे बता सकते हो क्या? मुझे जानना है। तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे जिमिन को देखकर बहुत ही हंसी आ जाता है। जनकुक कहता है, क्यों? तियांग कहता है, क्योंकि उसकी उंगलियाँ बहुत ही छोटे छोटे से हैं और मुझे इसलिए हंसी आ जाते हैं और इसलिए मैं उसको घूरता रहता हूँ, वो देखने में बहुत ही शॉर्ट है ना। जनकुक ने कहा, तुम बहुत ही खराब हो। और तियांग को गुस्सा मारना शुरू करता है और तियांग से कहता है, मुझे पता है तुम मुझे खुश करने के लिए ऐसा कुछ बोल रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम जिमिन को देखकर बह गए हो। तियांग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, तुम चाहो तो मैं प्रूव कर सकता हूँ। जनकुक कहता है, वो कैसे, तुम क्या करना चाहते हो? तियांग वो जनकुक के नज़दीक आ जाता है और उसके टी शर्ट के अंदर अपने हाथ को लेकर जाता है और उसकी बॉडी को सहलाने लगता है। जनकुक कहता है, तियांग क्या कर रहे हो, बेबी गोद में है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हाथ हटाओ। लेकिन तियांग ने कहा, अब तो मैं प्रूव करके ही रहूँगा, बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन नहीं एक साल से ज़्यादा हो गया है मैं तुमसे दूर हूँ और तुम हो कि मुझे मिस नहीं करते हो। जनकुक, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो पहले जैसे? अगर प्यार करते हो तो इतने दिन तक मुझसे दूर कैसे रह लिया? जनकुक बताओ मुझे। अब तो तियांग जनकुक को ही बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डाल दिया था। जनकुक तियांग से कहता है, मैं क्या करता, तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे और मैं भी बेबी को लेकर बहुत ही बिजी हो गया था, तो मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाया और ऊपर से मैं पहले प्रेग्नेंट था और अब जब 2 महीने से बेबी मेरे गोद में आ गया है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है खुद के लिए। इससे पहले कि जनकुक कुछ और बोल पाते, तियांग जनकुक के होठों पर अपने होठों को टिकाए रखता है और बहुत देर तक किस कर रहा था। इसी के साथ ही दियन कहता हो, आई होप आप लोग को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।